का जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है ना, यह है 18 फरवरी 2022 का फर्स्ट सिटिंग का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो मेरे पास जो सेट है ना वो सेट सी है, ठीक है ना। तो मेरे पास सेट सी अवेलेबल है, तो हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हमारे पास सेट सी आ चुका है और आपको कुछ ही देर में हम जो है ना इसको अच्छे से पढ़ लेंगे 10 मिनट। उसके बाद कुछ ही देर में आपको वीडियो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का करवा देंगे। तो चलिए, जब आए हैं ना तो कुछ ऑब्जेक्टिव को डीन करके जाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। फिर देखिए नंबर टू में विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो जस्ता नहीं होगा ये, ठीक है, नाइक्रोम की ऑप्शन डी नंबर होगा, ठीक है ना, टू का ऑप्शन डी। फिर हम लोग चलते हैं तीन में, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो प्रतिरोध, ठीक है ना। जब प्रतिरोध रोकता है ना तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। एक विद्युत चयन से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। ओ नवीकरणीय यानी जिसको हम लोग नया नहीं कर सकते हैं, तो देखिए कोयला को हम लोग नया नहीं कर सकते हैं, पवन का नवीकरणीय है, जन भी नवीकरणीय है, सूर्य भी नवीकरणीय है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए कोयला। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है या तो एंगस्ट्रम में नहीं तो मीटर में, ठीक है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ना कि मीटर प्रति सेकेंड। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं, ठीक है ना, तो 7 का सी हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं 8 में, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 24 जूल, ऑप्शन डी। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो तालाब जो है ये प्राकृतिक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या, डी, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखिए, अब हम जो है ना हम आपको यानी एक बार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपके लिए लेके आएंगे 10 से 15 मिनट के बाद। तब तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे ग्रेटेस्ट कॉन्टेंट देते रहेंगे। तो आप भी हमें सपोर्ट करिए, हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, आते हैं आपको कुछ देर में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ देर के बाद, तब तक आप लोग इस वीडियो को धुआंधार शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।